हरे कृष्णा राधे राधे, वृंदा देवी दासी के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम ठाकुर जी के दुर्दशा के बारे में आप सबको बताएंगे और ठाकुर जी का ये हालत कौन करते हैं इसे भी जानेंगे। जमशेदपुर में रहने वाला एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम है सम्राट, आज उसी ने ये सारा तस्वीर हमें भेजा है। सम्राट कहते हैं, कुछ दिन पहले मैं अपनी मम्मा के साथ एक काली मंदिर गया था। काली मंदिर में जाकर हमने देखा वहाँ पर बहुत से राधा कृष्ण और लड्डू गोपाल जी का विग्रह इधर उधर पड़ा हुआ है। बरसों से इनका कोई सेवा नहीं होता, ये बस मंदिर में ऐसे ही पड़े हुए हैं। जब हमने इस विषय में सम्राट की मम्मा से बात किया तो वो कहने लगी, सम्राट ने जब से उन ठाकुर जी को मंदिर में इस हालत में देखा है, बस वो रोए जा रहा है। क्योंकि मंदिर में जाने से पहले हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हमें देखना पड़ेगा। सारे ठाकुर जी इधर उधर पड़े हुए थे। आप फोटो को देखकर समझ सकते हैं इनका हाल क्या है। इन्हें कभी भी श्रृंगार नहीं कराया जाता, ऐसा कि इनका पूजा भी नहीं किया जाता। पूरे ठाकुर जी देखिए धूल मिट्टी से कैसे भरे हुए हैं। जब उस छोटे से बच्चे सम्राट ने ठाकुर जी को इस हालत में देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने साथ ही साथ पंडित जी से कहा, पंडित जी अगर आप इनका सेवा नहीं कर सकते तो मुझे दे दीजिए, मैं सेवा कर लूँगा। ठाकुर जी को इस हालत में देखने से तो यही अच्छा है कि ठाकुर जी हमारे साथ हमारे घर चले। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि पुजारी जी कोई भी बात सुनना नहीं चाहते हैं, जिस कारण से उन्होंने सम्राट को एक भी ठाकुर जी का सेवा नहीं दिया। ठाकुर जी के इस हालत को देखकर हमने साथ ही साथ सम्राट के मम्मा से बात किया। जब सम्राट के मम्मा से हम बात कर रहे थे तब भी सम्राट के मम्मा ने हमसे कहा कि बहुत बार हमने पुजारी जी से कहा कि आप ठाकुर जी का सेवा हमें दे दीजिए, हम प्रेम से उनका सेवा करेंगे, हमारे घर में ठाकुर जी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन वो पुजारी जी ठाकुर जी को देना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं ये मंदिर में आए हैं, मंदिर में इनका पूजा होता है, इसीलिए मैं किसी को नहीं दूंगा। लेकिन दीदी मैं सच कह रही हूँ, ठाकुर जी का बरसों से कोई भी पूजा पाठ कुछ नहीं हुआ है। ठाकुर जी बिल्कुल धूल मिट्टी से भरे हुए हैं, उनका बिल्कुल भी सेवा नहीं किया जाता। आप जो यहाँ ठाकुर जी के पास पुष्प को देख रहे हैं, ये भी ठाकुर जी को सम्राट ने निवेदन किया है, शायद सबसे पहली बार। जब पुजारी जी ने हमें मना कर दिया कि नहीं हम ठाकुर जी का सेवा किसी को नहीं देंगे, आपकी तरह बहुत से भक्त यहाँ आते हैं और ठाकुर जी मुझसे मांगते हैं, मैं कभी भी किसी को भी मैंने ठाकुर जी का सेवा नहीं दिया तो आपको मैं क्यों दूँ। जब सम्राट ने इस बात को सुना तो उसे बहुत दुख हुआ, इसीलिए उसने सारे ठाकुर जी को सिंहासन में ठीक तरह से बिठाया। उन्हें जितना उससे हो सकता था उसने ठाकुर जी को साफ किया और शायद मंदिर में पहली बार उसने ठाकुर जी को पुष्प और भोग निवेदन किया। ये सारे ठाकुर जी इधर उधर गिरे हुए थे, सम्राट ने ही इन्हें ठीक तरह से आसन में बिठाया है। ठाकुर जी को इस हालत में देखकर सम्राट बहुत दुखी था। वो घर आकर बस रोए जा रहा था, जिस कारण से मैंने आपको ये तस्वीर भेजा ताकि आप इस घटना को हर भक्त के पास पहुंचा सके। अब जो भी भक्त हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़रा हमें बताइए ठाकुर जी की इस हालत को देखकर आपको कैसा लग रहा है। वो कैसे इंसान है जो ठाकुर जी को इस हालत में छोड़कर निश्चिंत होकर अपने घर पर आराम से बैठे हुए हैं। सदा एक बात याद रखिए, जिस ठाकुर जी को आप सम्मान नहीं कर सकते, सम्मान नहीं दे सकते, उन्हीं ठाकुर जी को असम्मान करने का कोई अधिकार आपको नहीं है। आप एक तुच्छ प्राणी समझते हैं कि मैं ठाकुर जी का सेवा करूंगा, ये आप सोच भी कैसे सकते हैं। स्वयं ठाकुर जी
जिनके पास सब कुछ है, जो भी आपके पास है उन सारे चीज़ को ठाकुर जी ने ही आपको दिया है, और आप एक तुच्छ प्राणी ये सोचते हैं कि मैं ठाकुर जी का सेवा करूँगा। और इसी बात को सोचकर आप ठाकुर जी को घर पे लेकर आते हैं, कुछ दिन गुड़िया के तरह या डॉल के तरह उनके साथ खेलते हैं। जब आपका मन भर जाता है तो चलो भाई इन्हें रख कर आओ मंदिर में। ज़रा हमें बताइए, क्या ये बर्ताव आप अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं? आपको सदा ये लगता है कि ठाकुर जी तो एक मूर्ति है, हम उन्हें मंदिर में छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो तो बोलते भी नहीं है, हिलते डुलते भी नहीं है, उन्हें क्या कष्ट होगा। लेकिन सदा याद रखिए, ठाकुर जी दो रूप में हमारे पास रहते हैं, एक सूक्ष्म रूप, दूसरा स्थूल रूप। जिस रूप में आप ठाकुर जी को अभी देख रहे हैं ये इनका स्थूल रूप है, और जो सूक्ष्म रूप है वो उस रूप में ठाकुर जी सब कुछ महसूस करते हैं। उस रूप को हमारे तरह पापी इंसान कभी भी दर्शन नहीं कर सकते। और आप सोचते हैं ठाकुर जी को कुछ भी कष्ट नहीं होता, कैसे इंसान हैं आप, कैसे आप ऐसा कर सकते हैं अपने प्रभु के साथ, क्या सच्ची आपको लज्जा नहीं आता? सम्राट ने हमें ये कहा कि यहाँ जितने सारे ठाकुर जी थे दीदी, एक भी ठाकुर जी खंडित नहीं थे, बस इंसान इनका सेवा नहीं करना चाहते हैं या उन्हें ठाकुर जी का सेवा बोझ लग रहा है, जिस कारण से ये ठाकुर जी को इस हालत में मंदिर में छोड़कर गए हैं। तो हमें एक बात बताइए, अगर आप ठाकुर जी को मंदिर में ही छोड़ना चाहते थे तो आपने अपने ऊपर कृपा बरसाने के लिए ठाकुर जी को लाया ही क्यों? तब तो वो दुकान में ही ठीक थे, क्योंकि दुकान में रहने से उनके अंदर प्राण का प्रतिष्ठा तो नहीं होता। और आप जैसे इंसान ठाकुर जी को लेकर आते हो और कुछ दिन उनका सेवा करते हो, फिर आप बोर हो जाते हो, ठाकुर जी का चेहरा सारा श्रृंगार स्वयं ही नष्ट करते हो और कहते हो ठाकुर जी तो खराब हो गए हैं, चलो इन्हें मंदिर में छोड़ देते हैं। चाहे जो भी हो, मंदिर में इनका पूजा पाठ ज़रूर हो जाएगा, यही सोचकर आप ठाकुर जी को मंदिर में छोड़कर आते हैं। और मंदिर में छोड़ने के बाद ठाकुर जी के इस हालत को ज़रा दर्शन कीजिए, क्या सच्ची आप खुद को इंसान कह सकते हो? क्या ठाकुर जी के कोई भी भक्त ऐसा काम कर सकते हैं? जो ठाकुर जी के भक्त नहीं है वो इंसान भी नहीं हो सकते। और दूसरी तरफ ये पुजारी जी, ये स्वयं को क्या सोच रहे हैं हमें ये भी नहीं पता। कितनी बार इनसे अनुरोध किया गया कि ठाकुर जी का सेवा दे दीजिए, लेकिन पुजारी जी ठाकुर जी का सेवा देना ही नहीं चाहते। जैसा कि आप सबको पता है, कल ही हमने एक वीडियो पोस्ट किया था जहां रेखा जी ने एक मंदिर से 13 लड्डू गोपाल जी को अपने घर पर लेकर आई, उनको श्रृंगार किया, उनको स्वस्थ किया, उनका पूजा पाठ शुरू किया और भक्ति में लीन हो गई। जब हमने रेखा जी से ये कहा कि रेखा जी आप ठाकुर जी का सेवा हमें दे दीजिए, तो उनका ये प्रेम भाव था कि नहीं, मैं अपने लल्ला को खुद से दूर नहीं कर सकती, इसीलिए रेखा जी स्वयं ही उन ठाकुर जी का सेवा कर रही है। रेखा जी कहती है, मंदिर के पुजारी जी ने जब रेखा जी को ठाकुर जी का दायित्व दे दिया तो वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे, क्योंकि एक सच्चे पुजारी जी ही समझते हैं कि कौन भक्त कैसे ठाकुर जी का सेवा करेंगे। और रेखा जी के भक्ति के कारण ही सारे ठाकुर जी रेखा जी के घर पे आते ही एकदम से सुंदर हो गए और खुश हो गए। आप यहाँ रेखा जी के ठाकुर जी को देखकर ही समझ सकते हैं। रेखा जी के पास आते ही सारे ठाकुर जी कितने प्यारे से लग रहे हैं। ठीक इसी तरह अगर मंदिर के पुजारी जी इन सारे ठाकुर जी का सेवा भक्त को दे दे, तो सारे ठाकुर जी को अच्छे से सेवा मिलेगा
और वो भक्त के पास जाकर बड़े ही प्रसन्न होंगे। लेकिन मंदिर के पुजारी जी इन सारे ठाकुर जी का सेवा किसी को भी नहीं देना चाहते, जिस कारण से बरसों से ठाकुर जी का बिल्कुल भी सेवा नहीं हो रहा है और ये ठाकुर जी का हाल ऐसा हो गया है। जो इंसान ये सोचते हैं कि हम ठाकुर जी को घर पर लेकर आएंगे और उनका सेवा करेंगे, उन इंसान को हम ये कह देते हैं आप कभी भी ठाकुर जी को घर पर नहीं ला सकते, क्योंकि जब तक ठाकुर जी आप पर कृपा नहीं करते हैं तब तक आप किसी भी तरह ठाकुर जी को घर पर नहीं ला सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक सामान्य इंसान ठाकुर जी का सेवा करेगा। ठाकुर जी जिन्होंने इस ब्रह्मांड का सृष्टि किया है, ठाकुर जी जिनके पास सब कुछ है और उन्हें सेवा आप करेंगे, आप जैसे एक सामान्य इंसान, ये कैसे हो सकता है? ठाकुर जी तो इतने मूल्यवान हैं कि उन्हें देने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। जो चीज़ आपके पास है वो भी ठाकुर जी ने ही आपको दिया है, और आप बड़े ही गर्व से ये कहते हैं कि हम ठाकुर जी का सेवा कर रहे हैं। ठाकुर जी से मन भर गया तो उन्हें मंदिर में छोड़ दिया, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी सेवा की। तब तो आप ठाकुर जी को दुकान में ही रहने दीजिए, क्योंकि ठाकुर जी के इस हालत को देखकर सच्ची ये कष्ट सहन नहीं होता। आप स्वयं ठाकुर जी को अपने घर पर लाते हो, फिर उन्हें गुड़िया की तरह खेलते हो और मंदिर में छोड़ देते हो, और जब आप ये कार्य करते हो तो क्या आपको पता है आपको कितना पाप लगता है? बाद में जब आपको इसी कर्म का फल मिलता है तो आप उसी ठाकुर जी को दोषी करते हो और कहते हो ठाकुर जी मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ। अगर आप ठाकुर जी के साथ ऐसा बुरा कर सकते हो तो आपने ये कैसे सोच लिया कि आपके कर्मफल कोई और भोग करेगा? आपके कर्मफल को तो आपको ही भोग करना पड़ेगा। लेकिन हम इंसान इस बात को समझते ही नहीं है, और साथ ही हम अपने सनातन धर्म को भी नहीं जानते, और ना ही हम अपने ठाकुर जी का कदर करना जानते हैं। यही एक कारण है कि ठाकुर जी को इस हालत में हमें देखना पड़ रहा है। आप सबसे निवेदन है हाथ जोड़कर, सबसे पहले अपने धर्म को जाने, अपने भगवान का कदर करना सीख जाइए, उसके बाद ही ठाकुर जी का सेवा लें। गुड़िया के तरह ठाकुर जी को अपने घर पर बिल्कुल भी ना लाए। अगर ठाकुर जी को सेवा करने में कष्ट हो रहा है, आपको समय नहीं मिल रहा, तो कोई भी भक्त को देखिए और उन्हें ठाकुर जी का सेवा दे दीजिए, लेकिन प्लीज़ आप मंदिर में ठाकुर जी को ना छोड़ें। ठाकुर जी के साथ ऐसा करने का अधिकार आपको बिल्कुल भी नहीं है। ठाकुर जी आपसे कुछ भी नहीं चाहते, ना ही उन्हें छप्पन भोग चाहिए, ना ही उन्हें पुष्प चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, वो सब कुछ उनके पास है। अगर आप उन्हें कुछ दे सकते हो तो वो है ठाकुर जी के प्रति आपकी सच्ची भक्ति और सच्चा प्रेम। बस जितना हो सके ठाकुर जी से प्रेम करें और सदा उनके चरणों को पकड़े रहें, इससे आपका ही अच्छा होगा। आप सब से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हर इंसान अपने गलती को जान पाए। और साथ ही उन पुजारी जी से भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो भी ठाकुर जी को ऐसे मंदिर में फेंके ना रखे, सब सारे भक्त को इनका सेवा दे दे, ताकि ठाकुर जी भक्त के पास प्रसन्न रूप में रह पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।